तो इसीलिए कई बार पैसा बहुत काम नहीं आता है ना, मतलब हाँ। मुझे क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं अच्छा, ये एक चंपारण मटन और चूना जैसे प्रोजेक्ट्स के बारे में मतलब क्या अनुभव रहा? मुझे कुछ सुनने में आया है कि कुछ प्रोजेक्ट्स के तो बजट ही बहुत कम थे, फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, ये क्या है? बिल्कुल ये बिल्कुल ये दोनों ऐसा काम है जो दोनों अलग अलग है। एक है नेटफ्लिक्स के लिए जिनके पास पैसा ही पैसा है, और एक है चंपारण मटन जो बिल्कुल उनके पास बजट नहीं है, बट ये चूँकि नए लोग हैं, नए डायरेक्टर हैं, नए राइटर हैं। अच्छा, तो मुझे ये जहन में हमेशा से रहा है कि एक तरफ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट करो जहाँ से अपना रोजी रोटी किचन चल जाए, और दूसरी तरफ आप उन लोगों के साथ काम करो जो बिल्कुल नए हैं, उनके पास पैसे नहीं है, बट आइडिया बहुत अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, ताकि उनको ना मौका मिले आगे बढ़ने के लिए, अपनी फिल्म बनाने के लिए। तो इसलिए मैंने चंपारण मटन किया, और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, ये फिल्म ऑस्कर में चली गई, और इसे इंडिया का पहला स्टूडेंट फिल्म कहा जाता है जो ऑस्कर में गई है। और ये फिल्म FTII की थी, इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे में है ये, तो ये उसकी फिल्म थी। तो इसीलिए कई बार पैसा बहुत काम नहीं आता है ना, मतलब हाँ। मुझे क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं